अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 चल रहा था हमारा क्लास 5 में। उसका लेक्चर नंबर 1 हमने अटेंड किया था। चैप्टर था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। इसमें हमने ये पता किया था कि लिविंग थिंग्स क्लासिफिकेशन क्या कहलाती है। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। पहले हम उसकी वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं ताकि जब हम ये लेक्चर सुनेंगे तो हमें समझने में आसानी हो। वेरी फर्स्ट जो वर्ड है वो है डिटरमाइन। डिटरमाइन का मतलब होता है हदबंदी करना, यानी किसी चीज को लिमिट बनाना। नेक्स्ट है इंटर रिलेशनशिप, बाहमी ताल्लुक। आपस का जो आपस में रिलेशन होता है, ताल्लुक होता है, ये सुनेंगे। स्पेसिफिक मतलब मखसूस यानी खास। प्रोमिनेंट मतलब वाज़े, किसी चीज को अच्छे से दिखाना। फीचर मतलब खासियत, किसी चीज की खास बात। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की अहमियत क्या है, हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, इसमें हम ये मांग करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज क्लासिफिकेशन हमारे लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि वी डिटरमाइन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सिमिलैरिटीज, मुशाबहत, एक जैसी चीजें या फिर डिफरेंस ऑर्गेनिजम्स में मालूम करते हैं, हदबंदी करते हैं कि जिनमें मुशाबहत है वो इस तरफ आ जाए और जो डिफरेंसेस है उन्हें अलग ग्रुप में शामिल कर दिया जाए। नंबर 2 है वी अरेंज ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। जो एक जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें एक ग्रुप में कर दिया जाता है, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है फिर हम उन्हें अरेंज करते हैं। नंबर 3 है वी फाइंड इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ लिविंग थिंग्स। आपस में लिविंग थिंग्स का जो कनेक्शन है, जो ताल्लुक है, इंटर रिलेशनशिप, बाहमी ताल्लुक, तो हम उन्हें कोई आप क्या करते हैं, उन्हें फाइंड करते हैं, मालूम करते हैं, तलाश करते हैं। क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक ग्रुप। क्लासिफिकेशन क्या करती है, प्रोवाइड करती है, मुहैया करती है कंप्लीट मुकम्मल इंफॉर्मेशन, कंप्लीट मालूमात स्पेसिफिक ग्रुप, यानी एक ग्रुप के रहने वालों की जो खासियत होती है वो मोस्टली एक जैसी होती है। जैसे हमारे बर्ड्स होते हैं ऑल आर फ्लाई, सब क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। और अगर हम पानी के जानवरों की बात करें ऑल आर स्विम, क्या करते हैं, सब स्विम करते हैं। तो इनकी कुछ ना कुछ खासियत होती है जिसकी वजह से इन्हें एक ग्रुप में शामिल कर दिया जाता है। We identify the living things on the basis of their structure and the other prominent features. हम identify कैसे करते हैं, उनकी बुनियाद क्या होती है, उनकी structure होती है, या तो ज्यादातर उनकी बनावट एक जैसी होती है या फिर उनकी कोई ना कोई खास फीचर होते हैं, खसूसियात होती है। जैसे किसी के 2 पाँव हैं, एक सबके 4 पाँव हैं, या किसी के पर हैं, या किसी के सींग हैं। 5 किंगडम सिस्टम, हमने क्या करा है, जब क्लासिफिकेशन की तो हमने उन्हें किंगडम सिस्टम में कर लिया, यानी कि जैसे सल्तनत होती है, जैसे कंट्रीज होते हैं, पूरा हमारा जो होता है हमने उन्हें क्या डिवाइड करा हुआ है, कंट्रीज को किस में करा हुआ है, सूबों में, और सूबों को किस में करा हुआ है, शहर में। इस तरह से हमने क्या करा, जब हमने ग्रुप बनाए तो उन्हें क्या नाम दिया, 5 किंगडम सिस्टम, यानी वो कितने हिस्सों में मुश्तमिल हो गया, 5। देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी दुनिया में लाखों करोड़ों तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। इन द वर्ल्ड Margulis and Schwartz have classified the organism. इन्होंने क्या करा, classify कर दिया organisms को, जिंदा इंसान को, into 5 main group, 5 अहम हिस्सों में। Each group is called kingdom and this classification is known as 5 kingdom system. हर group क्या कहलाता है, kingdom कहलाता है। और जब इन kingdom को हम मिला दें, यानी पांचों को मिला दें, तो सब क्या कहलाते हैं, 5 kingdom system. The 5 kingdom system are as follows. जो 5 किंगडम सिस्टम है उनको क्या नाम दिए गए हैं, वो कौन से मंदरजा ज़ैल है। नंबर 1 है बैक्टीरिया, नंबर 2 है अल्जी, नंबर 3 है फंगाई, नंबर 4 है प्लांट्स, और नंबर 5 है एनिमल्स। ये तमाम जो ग्रुप हैं इन्हें भी आपस में जब हम देखेंगे तो बैक्टीरिया भी डिफरेंसेस मिलेंगे, अजाए भी, प्लांट्स, एनिमल्स, सब में क्या होगा, आपस में डिफरेंस होगा, लेकिन उनकी कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो एनिमल एनिमल्स में ही आएंगे, प्लांट्स प्लांट्स में आएंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेज नंबर 6 और 7 की पहले अच्छे से रीडिंग करनी होगी। अगर आप रीडिंग अच्छे से करेंगे तो आपको ये लेक्चर अटेंड करने में आसानी होगी। नेक्स्ट जो हमारा होगा तो हम मजीद मालूम करेंगे कि बैक्टीरिया की टाइप्स कितनी है और वो दिखने में कैसे होते हैं। आज के